नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम कुछ 5-6 इम्पॉर्टेंट खाने के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे महिलाओं और पुरुषों में बहुत लाभदायक फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला है फास्ट फूड के बारे में बात करते हैं। ये ऐसा एक एस्पेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। बहुत सारे स्टडीज में देखा गया है कि फास्ट फूड का ऐसे इफेक्ट हो सकता है क्या, स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फास्ट फूड का क्या इफेक्ट पड़ सकता है। फास्ट फूड होता क्या है? पिज्ज़ास हो गए, बर्गर्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, या बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड हो गया, चीज़ हो गया, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड हो गए, तो ये सारे फास्ट फूड हैं। या जो रेडीमेड खाना मिलता है, जो लेके आके आप माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं, वो भी प्रोसेस्ड फूड है या फास्ट फूड है। इसीलिए उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज ने दिखाया है कि अगर आप ये कम से कम भी खा रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए टाइम ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर आप ये फास्ट फूड 3 बार खा रहे हैं हफ्ते में, तो आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस 12% तक बढ़ सकते हैं, 8 से 12 तक बढ़ सकते हैं। अगर आप ये 3 से भी ज्यादा बार हफ्ते में खा रहे हैं फास्ट फूड, तो आपका इनफर्टिलिटी का चांस 18% तक बढ़ सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए। ये पिज्जास, बर्गर्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो भी है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली आप प्रेगनेंसी के लिए जब कोशिश कर रहे होते हैं। अगला है सी फूड। सी फूड के कोई अच्छे लक्षण मैं बताऊंगी अभी। ये स्टडी ने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, जिसने देखा कि जो सी फूड इंक्लूड करते हैं अपने डाइट में, मछली हो गया, प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स हो गए, तो उन्होंने देखा कि हस्बैंड वाइफ के मिलने के लिए, इंटरकोर्स के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एफ्रोडिसिया के, यानी कि उनके लिए इंटरकोर्स के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए बहुत अच्छा है। ये देखा गया है कि जो सी फूड अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं, उनको 90% फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज देखा गया है और प्रेगनेंसी चांसेस भी इंप्रूव हुए हैं। और जो सी फूड इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उनमें 70%, तो ज़्यादा अधिक मात्रा में डिफरेंस नहीं है, बट ज़रूर इसका इफेक्ट इंटरकोर्स में फ्रीक्वेंसी में देखा जा सकता है। स्पेशली जब एग ओविलेट हो रहा होता है, तो आपको 2-3 बार जब आपको इंटरकोर्स करना पड़ता है, तो ये सी फूड आपकी मदद में आ सकता है। अगला है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जब ट्रांसफैट इंक्लूडेड होता है तो 48% रिस्क बढ़ता है एंडोमेट्रियोसिस का। लेकिन अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस से ट्रांसफैट आप कम करते हैं, तो ओमेगा 3 अगर आप आपके अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, उसे इंक्रीज करेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपको मछली में मिल जाते हैं, पनीर में मिल जाते हैं, बहुत सारे फूड फैक्टर्स होते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 अगर आप जोड़ेंगे तो 22% तक ये एंडोमेट्रियोसिस कम हो सकता है। तो ये सब स्टडीज़ में देखा गया है कि एंडोमेट्रियोसिस का जो सिवियरिटी है वो कम होने के चांसेस होते हैं, अगर आप ये सब सप्लीमेंट्स आपके आहार में इंक्लूड करेंगे। अगला है प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको इंक्लूड करना चाहिए। चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, अवश्य प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप इंक्लूड करिए। फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, जिससे आपके अगर ओविलेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो सकते हैं। पुरुषों में अगर स्पर्म्स की प्रॉब्लम है तो भी वो इम्प्रूव हो सकते हैं। इन सब के अलावा आपको अपना ऑयल को बदलना चाहिए। अगर आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स जो हैं कम हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे, जो आप खा रहे हो, जो आप अपने सप्लीमेंट्स की तरह ले रहे हो, अगर ये सब आप ध्यान में रख सकते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली जो वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें देखा गया है कि मेडिटेरेनियन डाइट, आप ये भी चेक कर सकते हो, एक ग्रीक डाइट है, ये डाइट के बारे में स्टडी किया गया है। जो ये डाइट खाते हैं, स्पेशली 2-3 महीने तक जब खाएंगे, वेट लॉस ही नहीं, स्पेशली इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में अगर ओबेसिटी भी प्रॉब्लम है, वेट ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, तो अगर ये डाइट खाते हैं तो उनमें वेट लॉस ही नहीं, ओविलेशन प्रॉब्लम्स का कम हो जाना, स्पर्म्स के इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प होना मेडिटेरेनियन डाइट से देखा गया है। इसीलिए मेडिटेरेनियन डाइट भी आपको कंसिडर करना चाहिए जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।